हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो सामने आप देख सकते हैं, आज हम वैसे कोई भी नॉर्मल कार का नहीं देख रहे हैं, आज हम आए हुए फोर्स के शोरूम पे। देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स का शोरूम है, लोकेशन आप देख सकते हैं और नाम ही देखते हैं, फोर्स मोटर्स ESP मोटर्स। तो यहाँ पर हम शूट करने वाले एक तो गुरखा का वीडियो आपको मिल जाएगा और ये सिटी लाइन है, तो सोचा कि इसका भी वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये कुछ अलग दिखी हमको। लोग जानते होंगे वैसे इसको तूफान के नाम से, पहले ये तूफान के नाम से आती थी। 18 लाख के लगभग इसकी ऑन रोड प्राइस है और 15 के लगभग इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। चलो तो पहले ही बता दिया मैंने आपको, अंदर से देखेंगे तो ये कॉमर्शियल व्हीकल है, इसमें कुछ ज़्यादा खास वैसे फीचर्स नहीं आते, लेकिन स्पेस ही स्पेस है, स्पेस तो फॉर्चूनर से भी ज़्यादा है इसमें। किसी कार में आपने नहीं देखी होगी, ये देख सकते हैं तीन तीन की, लेकिन ये वहाँ पे वैसी वाली नहीं है, कोई भी बटन वाली मैनुअल है। तो मैनुअल का मज़ा अलग ही है इसमें, देख सकते हैं ये आती है जेब में डाल देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये देख सकते हैं इसका नाम सिटी लाइन है और नीचे इसमें देखो ये टोइंग हुक भी लगा हुआ ही है। सामने नॉर्मल हेडलैम्प्स, इंडिकेटर्स और ये ग्रिल शानदार है इसकी। वैसे ये रिफ्लेक्टिंग टैप लगी हुई आती है इसमें, फॉग लैंप भी देखने को मिल जाते हैं, नहीं है इसमें लेकिन ऑप्शन है इसमें फॉग लैंप लगाने का। सामने से देख सकते हैं, ऊंचाई की बात करिए तो वहाँ पे खड़ा हो मरीज काफ़ी ऊंची है, कहीं से भी निकल जाएगी और लंबी तो पूछो ही मत, आप एक पूरी बस ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है FM 2.6 करोड़, यानी 2.6 करोड़ की गाड़ी है ये। यहाँ पे इंडिकेटर है इसके, ये ORVM है, नॉर्मल वाले मारुति 800 में आती है वैसे टाइप वाले। ये देख सकते कुछ डोर हैंडल्स ऐसे हैं, ऐसे अंदर से खुलते हैं, इसमें अंदर से ऐसे, इसमें भी ऐसे अंदर से खुलते हैं। अंदर से दिखाएंगे आपको स्पेस भी, स्पेस कैसा है। मैंने सोचा कि नॉर्मल गाड़ियों से अच्छा इसका भी रिव्यू करते हैं, इसको भी बताते हैं लोगों को, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है ये और कमर्शियल गाड़ी में ये सबसे ज़्यादा बिकती है। ऊपर से दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं टायर्स में व्हील कैप लगी हुई है और टायर साइज़ है MRF के टायर है 215/75 R15। वाइपर, वॉशर, यहाँ से ऐसे उड ओपन होता है, उड को भी ओपन करके दिखाएंगे। पैर रखकर ऊपर जाने के लिए ये दरवाज़ा खोला। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं बच्ची, क्योंकि बाहर काफ़ी वैसे वो आ रही है, नॉइस आ रही है। देख सकते हैं सड़क है। मेरा मन तो चंचल है, चलो वो सब छोड़ो। देख सकते हैं फोर्स की गाड़ी ख़रीदने के लिए कुछ बढ़िया कस्टमर्स आए हैं, सुंदर सुंदर कस्टमर्स आए हैं। ये यहाँ पे ऐसी वैंस ऐसे देखने को मिल जाते हैं, जो ऐसे भी घूमते हैं। यहाँ पे आप डेक लगा सकते हैं जो गाने बजाते हैं, वो नॉर्मल आप कोई भी ख़रीद के टच स्क्रीन भी लगा सकते हैं इतनी बड़ी वैसे। यहाँ पर बटन से कुछ 1000 लाइट के और AC के कंट्रोल्स है, 12 वोल्ट के सॉकेट है, गियर है इसमें आगे के 5 पीछे का 1। इसमें 2500 CC का इंजन आता है जो कि काफ़ी बड़ा इंजन है और काफ़ी बड़ी कार भी है। डे नाइट IRVM है मैनुअल वाला, ये देख सकते हैं जो कि काफ़ी हिल डुल रहा है वैसे। चलो छोड़ो उसको, यहाँ पे टिकट होल्डर है, वैनिटी नहीं है इसमें और ये काफ़ी बड़ा है, जो खुलता तो है लेकिन काफ़ी फंसा हुआ है यहाँ पर। चलो वो तो सही है, यहाँ पर देख सकते हैं पहली कार है जिसमें ये क्या देखने को मिलता है। ये एक्सप्रेशन है कुछ थंबनेल लेने के लिए, ये यहाँ पे क्या है वैसे। हाँ पीछे की AC है, पीछे AC के ब्लोअर वगैरह देख सकते हैं, आगे का भी इधर से ही है। देख सकते हैं इसमें कुछ एलिमेंट वगैरह भी है, शायद हीटिंग वगैरह का सिस्टम भी हो सकता है। AC मैक्सिमम, AC मिनिमम, एयर सर्कुलेशन है। यहाँ पे चारों पावर विंडो, चाइल्ड लॉक, यहाँ पे 2 सीट है और पीछे देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। ये देख सकते हैं
तीन सीट, चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 सीटर कार है, फोर्स की है सिटी लाइन। यहाँ पे लॉक अनलॉक वाला जुगाड़ कुछ ऐसा होता है, ऐसे लॉक होते ऐसे अनलॉक, जो कि सारे साथ हो रही है देख सकते। अगर आगे का करता हूँ तो पीछे का भी होता है, ये देख सकते हैं। चाबी लगाते हैं इसके अंदर, चलाएंगे नहीं क्योंकि आगे हमारी कार है। ये चली और हमारी कार ठुकी। यहाँ पे देख सकते हैं क्लस्टर मीटर, लाइट्स के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, इसमें पेट्रोल नहीं भरवा रखा शोरूम वालों ने। ये ग्रैब हैंडल पकड़ के छटने के लिए टूं टूं करिए, पता नहीं क्यों। पीछे जाने के लिए भी, पीछे चलते हैं आगे और कुछ बस तोड़े गया। हाँ यहाँ पे स्टोरेज के लिए एक बढ़िया ठीक ठाक जगह है, ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, और यहाँ पे भी एक बच्चे को बिठा सकते हैं आराम से। चलो पीछे चलते हैं, पीछे इधर से जाना पड़ेगा तो इधर से चलते हैं पीछे। इस साइड में भी गेट है वैसे, देख सकते हैं ये सीट आगे की हुई है वैसे, उस साइड से चलते हैं। पीछे से बात करें तो पीछे यहाँ पे स्पेयर व्हील और सिटी लाइन की बेजिंग, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल वाले टेल लाइट्स, रिफ्लेक्टर टैब, टोविंग वाला सिस्टम और पार्किंग सेंसर्स भी है इसमें, देख सकते हैं चार चार। रिफ्लेक्टर टैब काफ़ी जगह दे रखी है, अगर पीछे से खोले तो ये देख सकते हैं। जीरो बूट स्पेस है इसमें, क्योंकि कार काफ़ी लंबी है और बड़ी है, इसलिए बूट स्पेस कहाँ से लाएंगे। इसमें ऊपर वैसे लगेज रखने का ऊपर छत पर बन जाता है लगेज रखने वाला, क्योंकि ये कमर्शियल गाड़ी है, अगर आप सवारी बिठा के चलाते हैं तो उस टाइम पे काम में आती है। देख सकते हैं पीछे चार जने आराम से बैठ सकते हैं, दो जने यहाँ पे और चार जने यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, चार चार आठ, दो दस और दो 12 सीटर हो गई, और एक को वहाँ पर बिठाएंगे तो 13 सीटर हो जाएंगी। और अपन इंडिया में तो वैसे इसमें 15-15, 20-20 जने भी बिठा के ले जाते हैं, सब जगह पकड़ने का सिस्टम है। यहाँ पे बोतल रखने का भी है एक, गाड़ी की चाबी दे यार थोड़ा आगे कर दो उसको अपने अपने की। ये सीट ऐसे हो जाती है पीछे, जो कि अभी इसमें फंस गई है, ये देख सकते हैं ऐसे हो जाती है, ऐसे ऊपर हो जाती है, बस ये जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो और तो सब चीज़ें बढ़िया है। इसमें गेट है 1, 2, 3, 4 गेट है, और एक पीछे का सिस्टम है, 5 गेट है। पीछे भी बैठ के दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एक बोतल रखने का, यहाँ पे भी 3 बोतल 4 बोतल होल्डर्स है इसमें। लाइट का सिस्टम, सनरूफ नहीं दे रही इसमें। पकड़ने का सिस्टम और बोतल रखने का काफ़ी है, ये देख सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल कार है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए है पीछे, चार्जिंग के लिए ये दो दे रखी है, दो यहाँ पर दे रखी है। ये एसी का थ्रू वहाँ से आएगा ऊपर से, बढ़िया जुगाड़ कर रखा है, क्योंकि इसकी छत में से जगह नहीं है एसी के पाइप वगैरह निकालने का, इसलिए। तो कैसी लगी ये गाड़ी आपको, आप यहाँ पे आ सकते हैं ESP मोटर्स जयपुर में। अगर आपको कोई भी फोर्स की गाड़ी, बस, टेम्पू, कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तो मैं नीचे उतर जाता हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम होती है नीचे उतरने में। पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है और आगे भी है चारों की। पीछे कोई भी विंडो खुलती नहीं है, पीछे से खुलती है ऐसे, मतलब ये वाली इधर हो जाती है बस की तरह। डोर हैंडल बाहर से देख सकते हैं कैसी लग रही है एकदम। और यहाँ पे 2.6 करोड़ लिखा हुआ था, लेकिन ये 2.6 करोड़ की नहीं है, ये मात्र 18 लाख ऑन रोड की है, जिसको भी आप कमर्शियल यूज में चला सकते हैं।